तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि मशीन में जो ड्रेन प्रॉब्लम होती है और पानी निकलता रहता है उसका सलूशन कैसे करें। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने बैक शीट खोल लेनी है और उसके बाद जो है हमारी ड्रेन वाली रस्सी होती है जिससे ड्रेन होती है वो खोल लेनी है आराम से। ये लॉक लगा होगा उसको आराम से खोल लेना है। उसके बाद जो ढक्कन होगा वो खोल लेना है, काफ़ी टाइट होता है तो आप पेचकश की मदद ले सकते हैं। ये देखिए आराम से इसको चूड़ी होगी, चूड़ी को घुमाकर खोल लेना है। ये देखिए ये वाल जो होता है बिल्कुल ही गंदा हो जाता है जिसकी वजह से पानी निकलने लगता है और कई बार बंद भी हो जाता है। इसमें दो प्रॉब्लम हो जाती हैं। ये देखिए कितना ही इसमें डस्ट फंसी हुई है, इसी की वजह से जो है ये पानी निकल रहा था। इसकी अच्छे से हम सफाई करेंगे। देखिए कितनी डस्ट है, इसको धोएंगे अच्छे से। अभी हमारा ये साफ़ हो चुका है तो उसके बाद जो है हम जहाँ पे ये वाल बिल्कुल फिट होता है उस जगह को भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। जहाँ पे ये वाल अच्छे से बैठ जाता है उस जगह को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसकी फिटिंग करेंगे आराम से। ये देखिए इसको बीच में रख देना है, उसका स्प्रिंग जो है उसमें डालकर और उसके बाद उसका ढक्कन जो है उसमें अच्छे से बिठा देना है स्प्रिंग को। उसके बाद हमने चूड़ी कस देनी है। ये देखिए बिल्कुल ये अच्छे से बैठ चुका है और हम इसकी जो लॉक है उसको लगा देंगे। तो गाइस अब हम चेक करेंगे इसमें ड्रेन प्रॉब्लम कैसे आ रही है। देखिए हमें पानी डालेंगे, अब देख सकते हैं अब इसमें कुछ पानी निकल नहीं रहा है। इसको ड्रेन करेंगे, देखिए खुलकर पानी भी निकल रहा है, अब बंद भी हो रहा है। देखिए अब बंद भी हो रहा है। तो वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।